चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं आज यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा तंग करता है, जर्नल में बहुत ज़्यादा पेन करता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं। डॉक्टर डायग्नोज करके बताता है कि आपको यूरिक एसिड ज़्यादा है। जर्नल में जो देखा जाता है तो यूरिक एसिड जो छोटे जॉइंट्स होते हैं और जनरली लोअर जो जॉइंट्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स की मोबिलिटी में प्रॉब्लम्स आती है, साथ में पेन रहता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ हो गया है आपको या आपका यूरिक एसिड ज़्यादा है तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान अपने डाइट में और लाइफ में रखना चाहिए। पहला होता है कि यूरिक एसिड बढ़ने का कारण ऐसा क्यों होता है, तो उसमें जो अगर पीछे बात करते हैं, एक तो आपको प्रोटीन का इंटेक आपका टाइम सही नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक लेते हैं और एसिड जनरली रात को लेते हैं। बहुत सारे लोग रात को दाल खाते हैं और वो भी बहुत गाढ़ी गाढ़ी दाल खाते हैं। कुछ लोग दाल मखनी वगैरह रात को बहुत ज़्यादा रिपीटेड लेते हैं। उसके बाद अगर इसका लिंक डाइजेशन से भी होता है, आपका पेट थोड़ा डिस्टर्ब है, उसमें भी स्पेशली लीवर, क्योंकि जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है वो लीवर कंट्रोल करके रखता है। जब लीवर में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो ये प्रोटीन का जो डाइजेशन है उसमें प्रॉब्लम आती है, और उसकी वजह से, क्योंकि प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है, जो वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट होता है वो यूरिक एसिड में जाता है। अब दो चीज़ें हैं, या तो आपकी किडनी जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड है उसको बाहर नहीं निकाल पाए तब भी यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ जाता है, या आपका लीवर उसका सिंथेसिस बढ़ा दे, मतलब उसका डाइजेशन कुछ डिस्टर्ब हो जाए जिसकी वजह से भी ऐसा हो। तो आपको अगर ऐसा कुछ हो गया है, आपको पता चला है कि आपकी रिपोर्ट्स में यूरिक एसिड थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको दो चीज़ें करनी चाहिए। एक तो आपको वाटर का इंटेक बढ़ाना चाहिए, आप जितना हो सके पानी पीजिए। जितना पानी पियेंगे बॉडी से वो यूरिक एसिड की एक तरह की गंदगी होती है जो बाहर निकल जानी चाहिए वो निकलेगी। दूसरा होता है कि आपको अपना जो प्रोटीन डाइट है वो थोड़ा कम कर देना चाहिए, और उसमें भी स्पेशली जो आपका रात का प्रोटीन डाइट है वो आपको कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए। मॉर्निंग में और डे टाइम में जब आपकी बॉडी में मोबिलिटी रहती है, आप चलते फिरते हैं, काम करते हैं, तब आप प्रोटीन का इंटेक ले सकते हैं। बट रात को जब आप सोने जाते हैं, कुछ लोगों का रात का मील बहुत हैवी होता है और उसमें भी वो हाई प्रोटीन लेते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा बचना चाहिए। ये बॉडी इंडिकेशन देती है, अगर आप इन चीज़ों को भी चेंज कर लेते तो हो सकता है आपको मेडिसिन की भी जरूरत नहीं होगी, आपका यूरिक एसिड वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, परमानेंटली हो जाएगा। क्योंकि अगर मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन से भी अच्छा रिजल्ट आता है, डॉक्टर जनरली ज़ैलोरिक वगैरह इसमें दी जाती है, उससे एकदम से कम हो जाता है, बट उसके पीछे कॉज भी अगर आप उसको हटा देंगे तो वो बहुत जल्दी रिलीफ आ जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।